अरे भांजे रुक तो, ये क्या कपड़े पहना दिए है तूने और गले में ये फांसी का फंदा लटका दिया है। मेरे प्यारे भांजे, जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो उसके लिए प्यार से कोई तोहफा ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं, ये गमला लेकर कौन जाता है बेटा? मामा जी, हाँ? जिसे पसंद करो उसे उसकी पसंद की चीज दो। उसे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, टीवी में देखे नहीं क्या? हाँ मैंने देखा, उसे तो ऐसा सबक सिखाओगी। नमस्ते दिव्या जी, मेरा नाम शंकर है और हम सब सोशल वर्कर्स हैं। आप भी पर्यावरण प्रेमी हैं? नहीं, हम हिंसा प्रेमी हैं। अबे चुप चुप, मामा जी कुछ कहिए। दिव्या बेटी, ये कह रहा था कि हम इंसान प्रेमी हैं, हम भी फूलों को पौधों को बड़े प्यार से पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अब चुप रहिए, अब मैं बोलता हूँ। जब से मैंने तुम्हें आंदोलन में देखा तो मुझे तुमसे लगाव सा हो गया। दोपहर को नींद नहीं आती, खाना रात को 4 बजे खाता हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ तक कि कोई दवाई भी नहीं लेता। क्यों, खरीदने के पैसे नहीं है? मुझे रात के सपने में भी तुम दिखाई देती हो। हाँ। मुझे तुमसे, मैं पहले ही कुछ चीजों की वजह से परेशान हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। तुम जैसी फूल की जिंदगी में कांटे, वो कांटा कौन है बताओ, उसे उखाड़ दूंगा। आप जैसे शरीफ सोशल वर्कर ये सब नहीं कर पाएंगे, इसके लिए तो गुंडे चाहिए। गुंडे चाहिए, सब लोग अपने असली रूप पे आ जाओ, शुरू हो जाओ। हम सब पैदाइशी गुंडे हैं। माफ करना दिव्या, तुम्हें पटाने के लिए मैंने झूठ बोला था। मैं इस शहर का मशहूर गुंडा हूँ। 80 खून किए, 100 से ज्यादा जमीन पर कब्जे किए हैं भाई ने, और 10-12 नहीं 15 शहर की पुलिस ढूंढ रही है भाई को। वो मैंने एक फैक्ट्री पर केस किया है और अभी अभी उसका मालिक आकर मुझे धमकी देकर गया है। क्या आप उससे निपट सकते हैं? कौन है वो? वो जसुंदर के साथ वाला, वो देखिए वहाँ, वही है। उसका गेम भारी करूंगा। हाँ। बेटी तुम बिल्कुल फिकर मत करो, उसकी तो मैं ऐसी हालत करूंगा कि मौत के बाद भी याद रखेगा। ये देख लीजिए, ये देख, असली असली 50 तोला, 50 तोला, कितना? 50 तोला। दो शादीशुदा औरतों को छेड़ के तुम लोगों को शर्म नहीं आती? क्या मस्त एक्शन मूवी है ना? एक्शन तो अभी शुरू होगा, मैं देखने के लिए तैयार हूँ। मारो इसको। एक्शन करना है तो फिल्मों में जाओ ना। वो एक फूल है, फूल है। मैं क्या, तुम भी उसकी तरह रक्षक बनो, भक्षक क्यों बन रहे हो? औरत की इज्जत ना करने वाले पर ऐसे ही लोग भारी पड़ते हैं, याद रखना। मारो इस, ये किस औरत की बात कर रहे थे और मुझ पर क्यों भारी पड़ रहे थे? टिकट तो खरीदा हुआ था। सफाचट करोगे? नहीं, फोड़ेंगे। अच्छा मजाक है, फोड़ना फाड़ना तो तुम जैसे दर्जी लोग करते हैं, मैं सीधा सुलाता हूँ, वो भी 10 मीटर जमीन के अंदर, समझ गया? वो एक फूल है, बस उसकी खुशबू लेना, जख्म नहीं देना। ये कौन सा फूल है जिसका मैं कांटा बना हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो? सवाल करता है जवाब। अरे ये क्या, चोट कैसे लगी? शायद मुझ में ही खोट है, ग्रुप में चड्डीस वड्डीस आते हैं और मेरी हड्डी तोड़ देते हैं, प्लास्टर का खर्चा भी नहीं देते। तू उन लोगों को जानता है? अब पूरी तरह जान गया हूँ। कहता है कि वो एक फूल है और फिर मुझे धोते हैं, मार मार कर मुझे सुझा दिया। देखिए ना सर, देखिए ना, इसकी मलम पट्टी करो। आओ मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ, आ जाओ। तू हट रे, अरे आओ ना, आराम से, खर्चा आप ही देना। दिव्या, उस छछुंदर को मैंने तबियत से धोया, उसकी नानी याद दिला दी, अब वो परेशान नहीं करेगा। सच में शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही फोन कर रहा है, लगता है माफी मांगना चाहता है। अरे वाह, स्पीकर पर डालो, हम सब सुनेंगे। हेलो, अब तक केस वापस क्यों नहीं लिया? लगता है तूने मेरी धमकी को हल्के में लिया है। मैं तुझे केस वापस लेने का एक और मौका देता हूँ, वरना मैं। ये तो अभी बदतमीजी से बात कर रहा है, आप तो कुछ और कह रहे थे। सिर्फ शक्लें ही गुंडों जैसी है क्या? काम में तो जीरो हो। उस छछुंदर में तो इतना दम नहीं दिखता। कौन छछुंदर? तुम ही बोली थी वो छछुंदर दिखता है, हमने उसका ही कचुंबर बनाया, इतना पीटा है कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मैंने आप लोगों से कहा था छछुंदर नहीं, छछुंदर के साथ वाले से निपटना है, आप लोग जाके गलत इंसान को पीटा है। लेकिन तुमने जिसे कहा हमने उसे ही पीटा, क्यों भांजे? मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। दिव्या, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं।
500 यूरो। नहीं लीकेज हो जाएगा, होट में छेद है ना। ए, पकड़ो उसे। ए, रुक। मुझे जाने दीजिए। मैं किसी बागान के पास नहीं जाऊंगा, ना छोटा ना ही बड़ा, किसी भी फूल के पास नहीं जाऊंगा कसम से। मिस्टर छछुंदर, मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि माफी मांगने के लिए आया हूँ। गलत इंसान देख लिया मेरी आंखों ने। तुम्हारे बॉस को मारना था, तुम्हें पीट दिया। बॉस को? आई एम वेरी वेरी सॉरी। चाहो तो मुझे मार कर बदला ले लो। मारो मारो मारो। कितनी बार माफी मांगोगे? अभी छछुंदर से पूछो कि इसका बॉस कहाँ मिलेगा हमें। हाँ बता कहाँ है वो, कहाँ है? बॉल उछाल रहे। मामा जी, उसकी वजह से दिव्या ने मेरी बेइज्जती की है, उसकी धुलाई करो, लेकिन जान से मत मार। जान से नहीं मारना? अरे भाई आपको तो पता ही है, लड़ाई झगड़े में कुछ भी हो सकता है। मेरी जान जा सकती है, उसकी भी जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखूंगा। ए शाने रुक जा, ज्यादा हीरोगिरी मत दिखा। देखो वो सारे मासूम बच्चे हैं, आराम से शांति से बात करते हैं। आओ मेरे साथ। आराम और शांति से? मेरा खून खोल रहा है। अरे कहा ना, शांत रहो। अरे ए पंटर लोग, तुम लोग भी आओ। दो तीन ही आओ वरना डर जाएगा। ए हीरो, अबे सुनाई नहीं दे रहा, इधर आ। बॉल को बहुत उछाल लिया, अभी शंकर भाई तेरे को उछालेंगे। प्यार की भाषा समझ और अपने साथ चल। शंकर भाई, उसको बोल यहाँ आके बात करे। शंकर भाई यहाँ आएंगे तेरे से बात करने के लिए, उनकी खिसक गई तो ठोक देंगे। जो बोला वो करना। समझ में नहीं आता है क्या? अरे देख कर रहे हो, मारो। मैं तो निकलता हूँ, बचाओ। अरे क्या हुआ? बस मैं पहुंच ही रहा हूँ, ऑन द वे हूँ। क्या बेटा, तुम नए लगते हो शहर में, यहाँ कुछ काम हो तो बताना। हाँ बहुत अपनी पहचान है, कुछ भी काम हो तो सीधा मेरे पास आ। क्या हुआ बेटा? देखो मैं तो तुम्हारे बाप जैसा हूँ, मुझ पे हाथ उठाओगे अच्छा नहीं लगता। मैं करता हूँ कुछ है। ए भांजे, उस लड़की के चक्कर में मेरी खटिया खड़ी होने वाली है। लड़की? कौन सी लड़की? वो ग्रीन आर्मी वाली बेटा, तुमने उसे धमकी दी थी ना। अबे मेरे मामा पे हाथ उठाया, दिव्या को परेशान किया, लगता है तेरे दिन भर गए। मेरी छोड़, तू सोच यहाँ से बाहर कैसे जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ तेरी लाश बाहर जाएगी। ए, जबान संभाल के बात कर। ए, मुझे मत ललकार, मैं वो आग हूँ जो तुझे जलाकर राख कर देगी, अगर मुझे छुएगा तो जल जाएगा। ऐसे फिल्मी डायलॉग मुझे पसंद नहीं है यार। चल अब आजा और चुपचाप मार खा ले, मेरे पास समय नहीं है। सर ये क्या? सर आपने तो सिर्फ उसे धमकी दी थी, उसने तो सचमुच गुंडे भेजे, हमें तो बस एनओसी चाहिए थी। कौन सा उसे टाका भिड़ाना है? क्या कहा आपको? कहा उसे प्रेम की रास लीला रचानी है। प्रेम है? ये अच्छा आइडिया है, जो काम धमकी से नहीं हुआ प्रेम से होगा। मतलब आप उसके दिल को छुएंगे? नहीं, उसके दोस्त के दिल को। तो मेरा क्या होगा सर? अरे कौस्तुभ चिल, ये सब एक नाटक है। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ओके सर, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड के ज्यादा करीब मत जाइएगा। लेकिन क्यों? फिसलू है, बिना केले के छिलके पे फिसलती है। ओ, हाँ? फिर तो और मजा आएगा। स्वाति, स्वाति उठो ना।
हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या बात है, आज जन्मदिन है फिर भी उदास हो? काहे का जन्मदिन, ना कोई सरप्राइज देने वाला है ना कोई गिफ्ट देने वाला, कितना बोरिंग डे है। कितने सुंदर फूल है, ये सारे फूल तुम ही लाई ना मेरे नहीं, लिए? नहीं, मैंने लाई। Go go now, here we go now, come let's party. यहाँ क्यों आए हो? ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारे लिए नहीं आया, इसके लिए आया। ये सारे फूल मेरे लिए? Happy birthday. Thank you so much. मेरे लिए इतने सारे बुकेस? Actually थोड़े और ले आता, पर इस शहर में इतने ही मिले। ये सारे फूल देकर ये तुम्हें फूल बनाना चाहता है, फंसा रहा है तुम्हें। मैं जानता था यही कहोगी, मैं फंसाने नहीं चाबी देने आया हूँ। किसकी चाबी? स्मॉल गिफ्ट तुम्हारे। इतनी बड़ी गाड़ी? अरे सुन तो सही, क्या गाड़ी है यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इतनी बड़ी गाड़ी मेरे लिए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ए, पागल है क्या, कोई तुझे इतना महंगा गिफ्ट देगा और तू ले लेगी, शर्म नहीं आती? ए मिस्टर, हमें तुम्हारा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। पर मुझे चाहिए। जब स्वाति ने किसी चीज को पसंद कर लिया तो तुम कौन होती हो उसे मना करने वाली? अंकल, विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें तोहफे में गाड़ी मिल सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा छपरी लड़का ऊपर वाला हमारी झोली में डाल देगा। बेटा तुम तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो, तुम्हें तो मैं छुपा के रखूंगा। चलो अंदर चलते हैं, तुम भी आओ भगवान, अब ये घोंसला तुम्हारा भी है।